हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 6 से 8 विषय हिंदी जेनरिक की वर्कशीट 91 हल करेंगे, जो कि 26 दिसंबर 2020 की है। ये वर्कशीट 6, 7 और 8 के सभी बच्चों को करनी है, क्योंकि यह एक कॉमन वर्कशीट है। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं, आपको इन तस्वीरों को ध्यान से देखना है और पहचानना है कि तस्वीर में कौन सा प्रदूषण दिया गया है। आप पहली तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें वायु प्रदूषण है, तो यहाँ हम वायु प्रदूषण लिखेंगे। दूसरी तस्वीर में भूमि प्रदूषण दिखाया गया है। तीसरी तस्वीर में ध्वनि प्रदूषण दिखाया गया है। और चौथी तस्वीर में जल प्रदूषण दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रदूषण से पड़ने वाले बुरे प्रभाव के बारे में लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे, प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। आदमी खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है। गंदे जल के कारण कई बीमारियाँ फसलों में चली जाती हैं, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियों को पैदा करती हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय से वर्षा आती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने आसपास बढ़ते प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। तो बच्चों, इसके उत्तर में हम लिखेंगे, प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्षों, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हों, हरियाली से ओतप्रोत हों। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करना चाहिए। बाजार से सामान खरीदने के लिए, गिफ्ट देने के लिए या सब्जी आदि लाने के लिए हमेशा रीयूजेबल बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक धुआं देने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पटाखों पर रोक लगानी चाहिए। CNG अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। तो इन सभी उपायों के द्वारा हम प्रदूषण को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। वर्कशीट के अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।